हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सिक्स का सोशल साइंस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। और इस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट मिले, बच्चे कई बार मुझे कमेंट किए कि सर इस सब्जेक्ट का जो है आप चैप्टर पढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कई बार इसको स्टार्ट करना चाहता था लेकिन इसका बुक मेरे पास नहीं था, तो मैं इसमें आपको कम्प्लीटली चैप्टर को डिटेल करके नहीं पढ़ाऊँगा। मैं इसका क्वेश्चन आंसर अभी ये फर्स्ट जो वीडियो है इसमें आपको चैप्टर वन का जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर को थोड़ा देख लेते हैं। ये बुक है और ये चैप्टर वन है जिसमें दिया हुआ है व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। तो हिस्ट्री के बारे में यहाँ थोड़ी सी बातें दी हुई है और मैं आपको सिर्फ हल्का फुल्का कुछ बता देता हूँ। बायोग्राफी दिया हुआ है, इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स क्या होता है, वो पुरानी बिल्डिंग्स जो होते हैं उसको बोला जाता है उस तरह का, और भी पिलर वगैरह जो होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है, सेक्युलर लिटरेचर होता है, सेक्रेड लिटरेचर, ये शॉर्ट में बताया गया है। सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल किया हुआ है। हिस्ट्री जो पुरानी कहानियाँ जो बीत चुकी है उसके बारे में, हिस्ट्री वही होता है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में बताया हुआ है। तो हिस्ट्री हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, पहले लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते थे इसको जानने के लिए, और उस समय वो क्या गलती करते थे और हम इस समय क्या गलती ना करें उससे बेहतर जीवन को, जीवन शैली को बनाने के लिए। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी रहता है। और इसके बाद प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री जो होता है उस समय कुछ भी लिखा नहीं जाता था, उस तरह की बातें जो है वो प्री हिस्ट्री में आता है। और हिस्ट्री में जो कई सारी चीज़ें हमें लिखित सबूत मिलता है वो हो गया हिस्ट्री। उसके बाद आगे दिया हुआ है टाइम लाइन दिया हुआ है, इसमें टाइम चलता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से आपका इधर चलेगा जो कि चल रहा है, इस भी जिसको एडी कहा जाता है, और बीसी ये चलता है। तो बीसी मतलब होता है यहाँ पे दिया बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसको बीसी कहा जाता है, उसके बाद का समय जो है एडी कहा जाता है। उसके बाद और आगे दिया हुआ है ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क हमारे देश का दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया को इस तरह से दिखाया गया है, ये उस समय कितना फैला हुआ था और कौन कौन सा जगह इसके अंदर आता था। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है रिवर्स के बारे में, यहाँ प्लेन्स, गंगा, इंदूज, इस तरह से दिया हुआ है। और हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम, इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा इसके बारे में यहाँ पे बतलाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम उसको दिया गया है इंडिया का, इंडिया में जो अलग अलग व्यक्ति आए वही लोग अपना अपना एक अलग नाम रख दिया, इस तरह से इसके कई नाम्स हैं। और यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का सोर्स में क्या क्या चीज़ मिलता है, सबसे पहले लिटरेसी हो गया और आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे दिया हुआ है। द सोर्सेस आर ऑफ टू काइंड्स, लिटरेसी, लिटरेरी और एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है तो कहाँ से प्राप्त हुआ, वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में सब लिखा हुआ रहता था, वेद वगैरह जो होता है तो वेद आज भी है। उसके बाद महाभारत, रामायण जो है बहुत बड़ा इपिक है हमारे देश का। और उस समय बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को जानने के लिए ये ह्वेनसांग और फाहियान ये चाइना से हमारे देश में आए हुए थे। इसके बाद पिक्चर दिया हुआ है ह्वेनसांग का। और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, यहाँ पे खंडहर जो हमारे देश में निकले हुए हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा, इस तरह से कई सारे खंडहर जो प्राप्त हुए हैं उसी को आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी कहा जाता है। इसमें मोनूमेंट्स, कई सारे मोनूमेंट्स भी बने हुए हैं। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब पहले लोग पत्थरों पे लिखा करते थे उसी को इंस्क्रिप्शन कहा गया है, शिलालेख कहा जाता है। उसके बाद उस समय जो भी बड़े बड़े राजा हुए उन लोग अपना पिक्चर के साथ क्वाइंस बनाया, सिक्के बनाए, उसके बारे में दिया हुआ है। और इससे संबंधित और कुछ अलग चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि ये पिक्चर लोग पहले बनाते थे, आर्ट और कला के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर समरी दिया हुआ है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, टाइमलाइन, और लगभग छोटी छोटी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे आ जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू कहते हैं। तो यही बतलाना है, इसमें मैं बता देता हूँ। ह्वेनसांग द चाइनीज पिलग्रिम अराइव्ड इन इंडिया इन द, तो ह्वेनसांग कब आया था। तो यहाँ दो व्यक्ति चाइना से आए थे, एक फाहियान था और एक ह्वेनसांग था। तो फाहियान जो है वो 5th सेंचुरी में आया था, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 7th सेंचुरी, डी नंबर का हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, 1 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ये टिक लगा दिए।
द संगम लिटरेचर इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ। तो संगम लिटरेचर जो है तो वहाँ पे किन लोगों के लिए लिखा गया था और किस भाषा में लिखा गया था, तो ये तमिल लोगों के लिए लिखा गया था, तमिलनाडु का है ये, तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं ए नंबर का। उसके बाद समुद्रगुप्ता क्वाइंस सो द एम्परर प्लेइंग द, समुद्रगुप्त के समय में जो क्वाइंस बनाया गया उसमें क्या बजा रहा था, वो सितार, फ्लूट, वीणा, हारमोनियम, तो उस समय वीणा बजा रहा था। आप चैप्टर में पढ़ के देखेंगे आपको ये मिलेगा, ये आंसर है। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रजेंट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्क्विस्ट ऑफ, अलाहाबाद पिलर जो है किस ज़माने का और किस राजा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर नंबर का, समुद्रगुप्त, ये इसका आंसर है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव, मोनूमेंट्स क्वाइंस आर्ट फैक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेथ सोर्सेस, तो ये किस चीज़ की सोर्सेस है, तो ये इसके अंदर आता है, आर्कोलॉजिकल के अंदर आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो गया। और फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स जो है इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, प्री हिस्ट्री इज दैट पीरियड अबाउट विच, प्री हिस्ट्री वैसा समय है जिसमें नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिटर्न, कोई भी जानकारी लिखित नहीं था, उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, तो इसमें ए नंबर जो है ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में, द डेस माउंटेन प्रोटेक्टेड इंडिया अगेंस्ट सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय, हिमालय ही हमारे देश को मध्य एशिया से, उसके जितने भी देश है उधर से बचाव करता है, उधर के लोग हम लोगों पर हमला नहीं कर पाते हैं हिमालय के कारण, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। व्हेन देयर वाज़ नो पेपर टू राइट ऑन, पीपल रोट ऑन, जब लिखने के लिए पेपर नहीं था, कागज़ नहीं था, उस समय लोग लिखते थे, प्लास्टिक सीट्स, तो प्लास्टिक सीट तो बाद में बना, इसीलिए आंसर नहीं होगा, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों के छाल पे लिखते थे, तो ये आंसर हो जाएगा। लिटरेचर डीलिंग विथ रिलीजियन इज बिलीव टू बी, तो जो लिटरेचर धर्म के बारे में जो बतलाता है, वैसा लिटरेचर जो धर्म के बारे में बतलाता है, तो वो किससे जुड़ा रहता है, होली से जुड़ा रहता है, मतलब सेक्रेट पवित्रता से, धर्म से जुड़ा रहता है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फाइव नंबर में, बुद्धिस्ट सेक्रेट लिटरेचर इज रिटन इन, बौद्ध धर्म का जो लिटरेचर है वो किस भाषा में लिखा गया है, इसका आंसर होगा पाली एंड संस्कृत, इस भाषा में लिखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। द टर्म बी सी इज़ यूज टू रेफर टू द पीरियड, बी सी का मतलब क्या होता है, बिफोर द ईयर्स इन विच जेसुस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, बिफोर, तो बिफोर ही होगा, सिंस द टाइम वैन जेसुस वॉज बॉर्न, नहीं, ये जो है बी सी, ये हो जाएगा ए नंबर का। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रू फॉल्स करते हैं। द महाभारत वॉज रिटेन बाय ऋषि वाल्मीकि, यहाँ पे बतला रहा है कि महाभारत वाल्मीकि ने लिखा था, तो वाल्मीकि ने इसे नहीं लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देते हैं इसको, फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद द संगम टेक्स्ट वेयर रिटेन इन तमिल, संगम जो लिटरेचर है वो तमिल भाषा में लिखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है, ये तमिल भाषा में ही लिखा गया है, इसको ट्रू कर देते हैं। उसके बाद फाइयान विजिटेड इंडिया इन द फिफ्थ सेंचुरी एडी, फाइयान इंडिया में कब आया था, मतलब फिफ्थ सेंचुरी में आया था, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, उसी समय ये आया था इंडिया में, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट बिल्डिंग पेंटिंग्स इटीसी, तो ये भी ट्रू है, तो इसको ट्रू दे देते हैं, ये ट्रू हो गया। उसके बाद द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जेंस इज इन संस्कृत, तो ये संस्कृत में नहीं है, ये दूसरा लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया और लास्ट वाला फॉल्स हो गया, बाकी सब ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर बतलाने के लिए कह रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, तो मैं इसका आंसर थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव में गिव शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे शॉर्ट आंसर देना है, जैसे कि व्हाट आर द टू सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के दो सोर्सेस क्या है, आंसर आप लोगों को बता देता हूँ और इसको स्क्रीन पे लिखकर आपको भी दिखा देता हूँ। तो इसका
दो सोर्सेस हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसका टू सोर्सेस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, ये दो नाम इसमें हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वाज द नेम गिवन बाय द ग्रीक टू द रिवर सिंधु, सिंधु नदी को ग्रीक लोगों के द्वारा क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम हो जाएगा हिंदोज और इंडोज, इस तरह का नाम दिया गया था। नेम द फोर वेदास, तो चार वेदों के नाम आप जानते ही हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद, आयुर्वेद एंड अथर्ववेद, तो इंग्लिश में ऋग्वेदा इस तरह से लिखा जाता है। और नेम द टू ग्रेट इपिक्स, दो महान ग्रंथों के नाम पूछ रहा है, तो दो महान ग्रंथों के नाम है रामायण एंड महाभारत, दो नाम लिख देना है। हु रॉट हर्षचरित्ता, तो हर्षचरित्ता को कौन लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाना भट्टा, ये आंसर स्क्रीन पे मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये मैच करने के लिए दिया गया है, इंस्क्रिप्शंस हो गया, तो इंस्क्रिप्शन इसका आपको चला जाएगा वर्ड्स ऑन स्टोन, जो ऐसे शब्द जो पत्थरों पे लिखे होते थे या मेटल्स पे लिखे होते थे, तो इंस्क्रिप्शन ये कहलाता है, तो इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पे, वन नंबर का ये होगा ई। उसके बाद मोनूमेंट्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स जो होते हैं उसको मोनूमेंट्स कहा जाता है, तो बिल्डिंग्स ऑफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस, यहाँ पे ये चला जाएगा डी नंबर में, ये हो गया। कौटिल्या, कौटिल्या चाणक्य को ही कौटिल्या बोला जाता है, और उसने लिखा था अर्थशास्त्र, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। उसके बाद जटका टेल्स, जटका टेल्स किससे संबंधित है, ये संबंधित है प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो जटका टेल्स जो है इससे संबंधित है, ये फोर नंबर का लास्ट में चला जाएगा, एफ नंबर यहाँ पे चला गया। और हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, बीते हुए घटनाओं को जो पढ़ाई करते हैं उसको हिस्ट्री बोला जाता है, तो ये यहाँ चला गया। और लास्ट में कौन बच गया, सी नंबर का बच गया, तो ये प्लेन्स जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो दिया हुआ है, और कुछ नाम यहाँ भी पूछे गए हैं, तो ये सेवन और एट का क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।